ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है, शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा, है अर्जी दीवाने की जहां बोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो, कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो, ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। मंजूर हमें जो भी तू चुने, रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने, ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा, तेरी धूल से बढ़के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा, है अर्जी दीवाने की और सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो, कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो, ओ दे सोहा
This is the momentous presented by our CPS management, CPS family, on behalf of our memorable situation. This is a historical moment for our CPS. आजादी के 78वें वर्षगांठ के अवसर पर हम अपने विद्यालय के संस्थापक श्री दिलीप जी, हमारे उपनिदेशक शेखर जी, इस विद्यालय के प्राचार्य, इस विद्यालय के शिक्षक, इस विद्यालय की शिक्षिकाएं, प्यारे बच्चों एवं बच्चियां और हमारे अभिभावकगण, आज पूरे देश आजादी के 78वां वर्षगांठ मना रही है। आज से 78 वर्ष पहले 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। आजादी के बाद हम लोगों का जन्म 7-8 वर्ष बाद यानी 54-55-56 वर्ष पे हुई थी, जब हम लोग ने छोटे बच्चों के समान जब पहला क्लास में नामांकन के लिए जाता था, उस समय पैर में जूते नहीं होते थे, शरीर पर बढ़िया वस्त्र नहीं होता था, स्कूल में छत नहीं होते थे, 99% स्कूलें फूस और कपड़े के होते थे। लेकिन आजादी के बाद हमारा देश विकास के पथ पर आगे बढ़ता रहा। हमारे देश के महान सपूतों ने बड़ी संघर्ष यातनाएं सह करके और इस देश को आजाद करने के लिए पूरे एकजुटता के साथ भिड़े रहे और उसका परिणाम हुआ कि वर्षों के संघर्ष के बाद भारत आजाद हुआ है। हम लोग पहले अपने घर में भी सारी सुविधाएं नहीं मिल पाता था, उसी प्रकार से राज्य से लेकर के देश में पूरी गरीबी रेखा के नीचे करीब करीब 70% लोग जीवन गुजर बसर करते थे। लेकिन अपने देश के लोगों ने, उसमें किसान भी है, उसमें देश के मजदूर भी है, देश के शिक्षक भी है, देश के डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, सेना के जवान भी है, सेना के पदाधिकारी भी है, राजनेता भी है, सारे लोगों ने मिलजुल करके इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं बहुत खुश हूँ कि सभी के दिल में मेरे लिए जान से ज्यादा सम्मान है। मेरे सैनिक सरहद पर अपने प्राणों की परवाह किए बिना मेरी रक्षा करने के लिए तत्पर है। मैं भारत माता, मैं बहुत खुश हूँ कि सभी धर्म के लोग यहाँ मिलजुल कर रहते हैं, पर मैं दुखी भी हूँ कि कभी कभी यहाँ प्रांतवाद, जातिवाद, धर्म के नाम पर झगड़े भी होते हैं। मैं भारत माता, मैं बहुत खुश हूँ कि देश तरक्की का डंका पूरी दुनिया में बजा रहा है, भारतवर्ष महासत्ता की ओर आगे बढ़ रहा है, पर मैं दुखी भी हूँ कि भ्रष्टाचारी, बेईमानी, शिक्षा की कमी, गरीबी हमारे देश को की तरक्की और सुख शांति को पीछे की ओर ले जा रहा है। जब किसी नारी के मान सम्मान मर्यादा का भंग होता है, भ्रूण हत्या अर्थात लड़की को जन्म से पहले मार दिया जाता है, तब मेरी आत्मा कांप उठती है, तब भारत मां रोती है। आप सब मेरी संतान है, आप सभी को अपनी जिम्मेदारी याद रखनी होगी। काश मेरे बच्चे मेरे प्राचीन के गौरव को समझ पाते। मुझे आशा है कि आप सभी एक जिम्मेदार और अच्छे नागरिक बनेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। तलवारों पे सर वार दिया।
के कफन जद तुरिया तन के मौत नू वाजा मारे वे थर थर कप दे सारे सुना सिते बन के कफन जद तुरिया तन के मौत नू वाजा मारे वे थर थर कप दे सारे पेट से मरगट तक है तेरी कहानी भग भग प्यारे दंगल दंगल रे दंगल दंगल सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे दंगल दंगल रे दंगल दंगल झुके तेरे आगे से तेरी गोद में रखे है तुझे सलाम इंडिया झुके तेरे आगे से तेरी गोद में मिट्टी में मिल जाना गुल बन के मैं खिल जाना इतनी सी तू दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जाना तेरे खेतों में लहराना इतनी सी है दिल की आरज़ू जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा वो भारत देश है मेरा वो भारत देश है मेरा ए मेरे प्यारे वतन ए मेरे बिछड़े चमन तुझके दिल तेरे नाम जो कर जावा कम है तो तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी दिल जान है जान हमारी मेरे भारत की बेटी जीती रहो जीतती रहो नैनों से टपके बत्रा। अरे माँ बस करो कितना खिलाओगी खा ले बेटा वैसे भी मेरे हाथ का बना हुआ खाना पूरे साल में एक ही बार तो खाता है भैया इस बार दो राखी बनवा लो पिछले रक्षाबंधन पे भी नहीं थे आप मेरी प्यार इसी बहन को मेरी उम्र लग जाए हल्ले 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 मेरी प्यारी गुड़िया हेलो हेलो कैप्टन आपकी छुट्टी रद्द की गई है आपको जल्द से जल्द सरहद पे रिपोर्ट करना होगा यस सर जय हिंद तलवारों पे सर वार दिए अंगारों में जिस्म जलाया है अब जा कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग स...
महसूस नहीं जो तेरे लिए सागर से महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे अपनी देशभक्ति का परिचय देते हुए उन्होंने टाइगर हिल पर फतह हासिल कर ली और इस कार्य के लिए उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। हम सैल्यूट करते हैं इन्हें और अपनी भारत भूमि को जिन्होंने ऐसे देशभक्त को जन्म दिया।
धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा हाँ, ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा हाँ, ऐसा देश है मेरा। गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरियां उड़ उड़ जाएं। पनघट पर पनहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए। लसुन लो कदम कदम पे है मिल जानी, कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा हाँ, ऐसा देश है मेरा। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बनके पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बनके पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कंधों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कंधों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। निकले हैं मैदान में हम चाहते दिल पर लेकर, अब देखो दम लेंगे हम जाके अपनी मंजिल पर। जो भी हो शोला बनके पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बनके पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कंधों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कंधों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दुश्मन के हिलते हैं। यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है, ऐसे हैं चाहे वैसे हैं, अरे जो भी हैं जैसे हैं खुद पे हम नाज है। कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छूटते दिल के तार से इंडिया वाले, हर जीत जीतले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम 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 इंडिया वाले। Oh,
से लेते लकीरें चुरा चाहे तो हाथों से लेते लकीरें चुरा है हमको प्यार से इंडिया वाले छूटे दिल के तार से इंडिया वाले छीले हार से इंडिया वाले दुश्मन के छक्के Principal sir, teachers and all my dear friends. I am Ati Kausal, office number 8B. Thanks to Principal sir for giving me opportunity to deliver a speech on Independence Day of our country. Independence Day is most important festival and historic day for our motherland Bharat. This year we celebrate under the theme of Viksit Bharat. On this day, our Prime Minister hoists the national flag at Red Fort, Delhi. Then we decorate our schools, colleges, private and government offices, as well our society, hoist the national flag, and then we salute the pride of our country, the national flag of Bharat. Today we are celebrating 28th Independence Day of our country. On this day we get freedom from greedy Britishers and from the brutal and cruel administration. This day is a result of a lot of sacrifices of our great freedom fighters like Subhash Chandra Bose, Chandrasekhar Azad, Bhagat Singh, Mahatma Gandhi, Sukhdev, Rajguru, etc. This is our fortune to born on this land. This is a land of great scholars, kings and warriors. So we must have to maintain and protect that dignity for the bringing better tomorrow. Thank you. तरफ से सभी को इस 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। मैं रश्मि वर्मा दुनिया की छात्रा यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस के इस हार्दिक पावन अवसर पर मैं कुछ पंक्तियाँ और बातें कहना चाहूँगी। नमन है उन वीरों को जिन्होंने इस देश को बचाया, गुलामी की मजबूत बेड़ियों को अपने बलिदान के रक्त से पिघलाया और भारत माँ को आजाद करवाया। 15 अगस्त वर्ष 1947 को भारत के इतिहास को स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। इसी दिन भारत के आजाद होने पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर झंडा फहराया था। तभी से प्रत्येक वर्ष भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं और शहीद स्वतंत्रता सेनानियों को 21 तोपों से सम्मानित दी जाती है। इस पर मैं कुछ और पंक्तियां भी कहना चाहूंगी कि भूल न जाना भारत माँ के सपूतों का बलिदान। इस दिन के लिए हुए थे जो हस्कर कुर्बान, आजादी की खुशियां मना कर लो ये शपथ की थी, बनाओ जो भारत देश को और भी महान। देश के प्रधानमंत्री हर साल देशवासियों को अपने भाषण के द्वारा संबोधित करते हैं और सेना द्वारा अपनी शक्ति प्रदर्शन करते हैं।
परेड मार्च करते हैं और अपने और स्वतंत्रता दिवस के दिन सभी भारतवासियों के मन में देशभक्ति की भावना के साथ साथ पूर्ण जोश रहता है। आजादी के बाद भारत देश अब तक बहुत उन्नति कर चुका है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन सभी विद्यालय, कॉलेज, संस्थान, बाजार, कारखाने, कार्यालय आदि बंद रहते हैं। इस दिन सरकारी और निजी छुट्टी भी रहती है। इस दिन जगह जगह पर झंडा फहराया जाता है। स्कूल, कॉलेज आदि में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसमें सभी छात्र छात्राएं भाग लेते हैं, गीत गाते हैं और कोई कविता भी सुनाते हैं तो कोई सांस्कृतिक गीतों पर नृत्य भी करते हैं। 15 अगस्त भारत देश के लिए गर्व और सौभाग्य का दिवस है। इस पर्व हमारे हृदय में नवीन स्फूर्ति, नवीन आशा, उत्साह, देश तथा देशभक्ति का संचार है। स्वतंत्रता दिवस के दिन हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि हमारे संतानों ने कितनी मेहनत और कितनी कुर्बानियां देकर इस दिन को प्राप्त किया था। इसलिए ये दिन हमारे हृदय में काफी आजादी का भाव लाता है। इस दिन हम स्वतंत्रता और स्वाभाविकता की रक्षा करने के लिए प्रण लेते हैं कि हमें इसके लिए अपनी जान भी निछावर करना पड़े तो वो भी हम कर लेंगे। जाते जाते मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि यह बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। यह बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। आजादी की खुशियां मना कर लो ये शपथ की बनाएंगे, आजादी की खुशी लहू देकर जिसकी हिफाजत बलिदानों ने की, ऐसे तिरंगे को दिल में बसाए रखना। धन्यवाद। Yeah.
तो प्यार का चुनन मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन शांति का उन्नति का प्यार का चुनन इसके बाद देनी सार है मेरा तन मेरा वतन ऐ वतन ऐ वतन लोगों ने
अंग्रेजों को भगाने और हिंदुस्तान को आजाद कराने का मनसूबा बना लिया। चुनांचे सबों ने अंग्रेजों से कई बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी। कभी शामिल जो शहीद हुए हैं उनकी जरा